उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के एग्ज़ाम आज से शुरू हो गए हैं। आपको तस्वीर दिखाएं, कानपुर के सबसे बड़े मदरसा अशरफुल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर छात्र और छात्राएं बड़ी संख्या में आज एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं। उनके इम्तिहान शुरू हो गए हैं। आलिम, कामिल, फाजिल, मुंशी और मौलवी के ये एग्ज़ाम्स हैं। दो पालियों में ये एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में उत्साह के साथ छात्र छात्राएं यहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं। ये कानपुर शहर का सबसे बड़ा मदरसा है, मदरसा अशरफुल, और जो टीचर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। शाकिर जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाकिर साहब, आप थोड़ा सा आगे आइए। आज जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो इम्तिहान हो रहे हैं, वो किन किन के हैं और किन पालियों में, कितनी पालियों में हो रहे हैं? आज जो इम्तहान हो रहे हैं वो सेकेंडरी के सुबह की यानी प्रथम पाली में है, और द्वितीय पाली में सीनियर सेकेंडरी कामिल फाजिल, इन बच्चों के इम्तहान होंगे। अच्छा, आज कानपुर में कितने सेंटर हैं और आप आके सेंटर में कितने बच्चे आज इम्तहान दे रहे हैं? कानपुर में 10 सेंटर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ये परीक्षाएं हैं और इसके 10 सेंटर कानपुर में शहर में बनाए गए हैं, जिनमें से ये एक सेंटर है जहाँ पर हम लोग हैं। मदरसा अल जामियतुल अशरफिया, मदरसा अल जामियतुल इस्लामी अशरफुल मदारिस गदियाना कानपुर, जिसमें प्रथम पाली में 431 बच्चे हैं और प्रथम पाली में 165 और द्वितीय पाली में 266, कुल टोटल 431 बच्चे हैं जो यहाँ इम्तहान दे रहे हैं। उसमें बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं। इम्तहानों को नकल विहीन बनाने के लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किए हैं? जो भी शासन से और मदरसा बोर्ड से गाइडलाइन हमें मिली है, जो भी जो है दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं, उसके मुताबिक पूरी तरह से नकल विहीन और पाक साफ परीक्षाएँ हो रही हैं और किसी तरह का कोई मसला नहीं है। तो फिलहाल आपको दिखाएं कि छात्र छात्राएं एग्ज़ाम दे रहे हैं। शहर का सबसे बड़ा मदरसा है, 431 की संख्या में छात्र छात्राएं हैं और सीसीटीवी यहां पर लगाए गए हैं ताकि नकल विहीन परीक्षा का जो संकल्प शासन का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, उसे पूरा कराया जाए। छात्र छात्राएँ बड़ी संख्या में आज से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।